पाकिस्तान में इस वक्त 1 लाख से भी ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस आ चुके हैं, मगर 2000 से भी ज्यादा अपनी जिंदगियों की बाजी हार गए। जहां ये बीमारी पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है, वहीं इस बीमारी से कुछ शोबिज अदाकार भी मुतासिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे पाकिस्तानी अदाकारों के बारे में बताएंगे जो इस वक्त कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। वासे चौधरी, पाकिस्तान के नंबर 1 कॉमेडी शो मजाक रात के एंकर वासे चौधरी भी इस वबा का शिकार हो गए हैं और इनका टेस्ट मुस्बत आया है। इस बात की तस्दीक वासे चौधरी ने अपने एक ट्वीट के जरिए की है। रुबीना अशरफ, मशहूर एक्ट्रेस रुबीना अशरफ भी इस बीमारी में मुबतला हो गई हैं। इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर इन्हें हस्पताल मुंतकिल करना पड़ा और फिर इनकी बेटी ने इस बात की तस्दीक की कि रुबीना अशरफ के फेफड़े कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हुए हैं और इनकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। इब्रारुल हक, पाकिस्तान के मशहूर सिंगर और पीटीआई के रुकन इब्रारुल हक को भी कोरोना वायरस हो गया है और इन्होंने घर में ही खुद को करंटीना कर लिया है। अलीज़े शाह, पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल अहदे वफा से शोहरत हासिल करने वाली अलीज़े शाह का टेस्ट भी मुस्बत आया है, जिसके बाद अलीज़े शाह आइसोलेशन में चली गई हैं। नुमान समी, पाकिस्तानी ड्रामा मेरा दिल मेरा दुश्मन से फैंस के दिलों में घर करने वाले नुमान समी का टेस्ट भी पॉजिटिव आया है और इन्होंने खुद को इस वक्त आइसोलेट कर लिया है। नवीद रजा, ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन के सेट से कोरोना वायरस फैला तो नवीद रजा भी ना बच सके और इन्हें भी कोरोना हो गया। इनके साथ साथ इनकी फैमिली भी कोरोना का शिकार हुई। इनकी 6 साल बेटी भी कोरोना वायरस में मुबतला हो गई है। बज़ाहिर तो इन्हें कोई अलामत नहीं है, लेकिन टेस्ट का पॉजिटिव आना भी किसी ड्रोने ख्वाब से कम नहीं है। निदा यासिर एंड यासिर नवाज, पाकिस्तान का नंबर 1 मॉर्निंग शो चलाने वाली एंकर निदा यासिर भी इस बीमारी से ना बच सकी और इन्हें भी कोरोना वायरस हो गया। इनका टेस्ट मुस्बत आने पर इनके मॉर्निंग शो की टीम का भी टेस्ट करवाया गया। इनकी टीम के बहुत से लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया और निदा यासिर के शोहर को भी कोरोना वायरस हो गया है। तो दोस्तों, ये थे वो चंद पाकिस्तानी अदाकार जो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बीमारी को जल्द अज जल्द पूरी दुनिया से ख़त्म कर दें और जितने लोग इस बीमारी की वजह से मुतासिर हुए हैं वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन।